गुजरात के अहमदाबाद शहर के वार्ड इलाके में आईत्रिषा अस्पताल द्वारा पहली बार घुटनों के दर्द और बदलाव हेतु रिप्लेसमेंट के लिए आधुनिक रोबोट को लॉन्च किया गया। घुटनों के ऑपरेशन के लिए गुजरात के मरीजों को बाहर जाना पड़ता था और इलाज का खर्च भी ज्यादा आता है, किंतु इसका हल अहमदाबाद त्रिषा अस्पताल के डॉक्टर अल्पेश पटेल ने प्रस्तुत कर दिया है। इस रोबोटिक टेक्नोलॉजी के जरिए घुटनों की हड्डी का घिसना कम होता है और इसके द्वारा किए गए ऑपरेशन के जरिए मरीज में रिकवरी भी जल्दी पाई जाती है। काफी बारीकी के साथ यह ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। मरीज को घुटने के घिस जाने, बहुत दर्द रहता है, शुरुआत के हिस्से में दवाई, जीवन शैली बदल जाना, जैसे कि पैर जोड़ के बैठ न पाना, सीढ़ियां चढ़ उतर न कर पाना जैसी बातें बदलनी पड़ती है। दर्द की गोलियां लेने से घुटनों का घिसना बंद नहीं होता, घुटन के घिसने पर उसका ऑपरेशन आवश्यक हो जाता है, जिसमें रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट की पद्धति को श्रेष्ठ माना जाता है। पहले घुटनों के जॉइंट का ऑपरेशन डॉक्टर के अनुभव और अनुमान के आधार पर किया जाता था और टेक्नोलॉजी के अभाव के चलते कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, किंतु मरीज को 100% परिणाम मिल पाए उसके लिए डॉक्टर अल्पेश पटेल द्वारा आधुनिक टेक्नोलॉजी वाला रोबोट उपलब्ध करवाया गया है, जिससे मरीज को पूरी सही चिकित्सा मिल पाए। अपना बैठना डेली एक्टिविटीज में तकलीफ शुरू हो जाते हैं, तब जाके रिप्लेसमेंट का एडवाइस देने में आता है। अब रिप्लेसमेंट जब करना होता है तो आप कन्वेंशनल मेथड यानी रूटीन सर्जरी आप देखा होगा और सुना होगा, और दूसरा रोबोटिक टेक्नोलॉजी जो आज हम यहाँ पे त्रिषा मल्टी स्पेशलिटी में लॉन्च कर रहे हैं, वो नई टेक्नोलॉजी नी रिप्लेसमेंट के लिए है। अब नी रिप्लेसमेंट जब करते हैं तो एक पैर का अलाइनमेंट डिसाइड करना होता है, जो पैर टेढ़ा होता है उसको सीधा करना होता है। जो अलाइनमेंट सीधा करने के लिए कन्वेंशनल सर्जरी में ऊपर की हड्डी में एक रॉड डालना होता है, जिस रॉड के ऊपर जिग लगा के हड्डी को कट करना होता है और नीचे की हड्डी में बाहर से जिग लगा के नीचे की हड्डी को कट करना होता है। ये जब जिग लगाते हैं तो एक अनुभव से, एक जजमेंट से, एक अनुमान से जिग को लगाया जाता है, जिसमें कुछ ना कुछ खामी रहने की संभावना रहती है। उसमें उस खामी की वजह से कई दर्दियों को सुना होगा कि 10-20% लोग ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा घुटने में बाद में ऑपरेशन के बाद भी दर्द रह जाता था। अच्छा, तो गुजरात ये जो रोबोट सर्जरी का है किन देशों में है और आज फिलहाल गुजरात में प्रथम बार है, तो किस तरह से आयोजन हुआ इसका? ओके, अभी जैसे कि रोबोटिक सर्जरी इसलिए आया कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम घुटने में ऑपरेशन के बाद भी रह जाता था, तो उसको लेके टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ जो रोबोटिक नी टेक्नोलॉजी है। अच्छा, इसका खर्चा कितना आएगा? हाँ, रोबोटिक नी टेक्नोलॉजी में नॉर्मल सर्जरी से 20-30 हज़ार रुपये ज्यादा खर्चा आता है, उसमें ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत सर्जरी का कॉस्ट बढ़ जाता है। अच्छा, रोबोट जिस तरह से देखा जाए, अगर लाइटिंग का प्रॉब्लम आया तो रोबोट की जो सर्जरी में कुछ प्रॉब्लम आएगी क्या? नहीं, रोबोटिक सर्जरी में इनकेस लाइट भी चला गया तो प्रैक्टिकली ये सब बैटरी ऑपरेटेड 100% रहते हैं, तो ऐसा कुछ ऐसा दिक्कत नहीं आएगा कि मशीन बंद हो जाएगा। चलो एक